हेलो गाइस, आज हम आपको 150 के ट्रे में 90 डिग्री बैंड बना करके हम दिखाएंगे। उसका मार्किंग हम किस तरीके से करते हैं, कितना कितना सेंटी गैप दे करके उसका मार्किंग करेंगे और किस तरीके से उसको हम कटिंग करेंगे, वो मैं पूरा आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से आखिर तक देखें। और चैनल पर नए विज़िट किए हैं तो चैनल को अब भी जा करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 150 का ट्रे है, इसमें हमको 90 डिग्री बैंड बना करके आपको दिखाना है। तो इसका मार्किंग किस तरीके से करते हैं तो चलिए जानते हैं। तो हम सबसे पहले इधर से मार्किंग करेंगे। ये देखिए हमारा ये कॉलर हो गया, इसको हम कॉलर बोलते हैं। तो यहाँ से हम एक मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम एक 18 सेंटी पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 150 का ट्रे है फ्रेंड्स। तो 150 का ट्रे में आप जब भी 90 डिग्री बैंड बनाते हैं तो ये जो हमारा वी कटिंग होता है, वी कटिंग का जो मार्किंग होता है 150 का ट्रे में, तो वो 6 सेंटी का हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए पहला निशान हम जहाँ पे लगाएं, ये हमारा 18 सेंटी है, तो यहाँ से हम 6 सेंटी लेंगे। तो यहाँ से हम 6 सेंटी लेंगे तो यहाँ पे ये 24 सेंटी पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरा निशान हम लगाएंगे 6 सेंटी, यहाँ से फिर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये 30 पे आ जाएगा, 24 6 30, ठीक है। तो ये दो निशान आपने लगा देना है 6 सेंटी पे। 150 का ट्रे है तो 6 सेंटी पे दो आपको निशान लगाना है और ये हमारा भी बनेगा। तो चलिए इसको हम मार्किंग कर लेते हैं ये तीनों को। तो ये देखिए इस तरीके से इसको आपको मार्किंग कर लेना है, फिर आपको इस ट्रे को इस तरीके से इसको लिटा दें। उसके बाद फिर इधर भी हमको मार्किंग करना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो ये वाला मार्किंग आप यहाँ पे ये सीधा इसको यहाँ पे मिला दें और ये जो कॉर्नर का जो हमारा फर्स्ट मार्किंग है, ये सेंटर का जो मार्किंग है, इस तरीके से ये इसको मार्किंग कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये हमारा वी बन गया, ये वी कट करके इसको हमको निकाल देना है, ठीक है। और इसमें हमको कपलर बनाना है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 6 सेंटी, ये 6 सेंटी हमारा कट के निकल जाएगा और ये 6 सेंटी जो है ये हमारा कपलर बन जाएगा। तो इसको कपलर के लिए आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मार्किंग कर देना है, ठीक है। और यहाँ भी आपको इस तरीके से इसको मार्किंग कर देना है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा कट करके निकल जाएगा और ये भी जो है ये वाला हिस्सा, इसको आपको यहाँ से यहाँ और ये वाला काट करके इसको निकाल देना है। बचेगा ये हिस्सा, तो ये जो हमारा भी निकलेगा, तो इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे आकर के ये चिपक जाएगा। तो ये वाला जो कपलर है ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बाइंड करके फिर रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक भी बन गया हमारा। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से ये जो देख रहे हैं यहाँ से हमको एक निशान लगाना है। यहाँ से हमको 10 सेंटी पे एक मार्किंग करेंगे, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। 15 सेंटी का भी हम रेडियस रखते हैं और 10 सेंटी का भी हम रेडियस रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 सेंटी का रेडियस रखेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ से 10 सेंटी पे हमने एक निशान लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर जैसा हमने उधर मार्किंग किया है 6 सेंटी पे एक निशान लगाएंगे, फिर दूसरा निशान, फिर 6 सेंटी पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से 6 सेंटी, फिर यहाँ से 6 सेंटी। उसके बाद आपको ये मार्किंग कर लेना है राइट एंगल से, ठीक है। तो इसको हम मार्किंग कर लेते हैं इस तरीके से, इसको हम मार्किंग करेंगे। ये तो ये मार्किंग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से आप लिटा दें, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर का मार्किंग है और ये हमारा लास्ट मार्किंग है। इधर से आ रहे हैं तो ये हमारा लास्ट मार्किंग हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला भी मार्किंग करना है, ठीक है। तो ये सेंटर का जो मार्किंग है इसको आप पूरा ये मार्किंग कर दें सीधा, और ये वाला जो है मार्किंग लास्ट वाला, इसको आपको भी मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका भी बन गया, देख सकते हैं ये आपका भी कटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसको हमको कपलर बनाना है, सेम जैसा हमने उधर बनाया है। तो ध्यान से देखें वीडियो को, इस तरीके से हम इसको मार्किंग कर देंगे। तो इसको हमको इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये कट के निकल जाएगा और ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक हम इसको काट देंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप इस तरीके से निशान लगा दें, ये देखिए ये भी हमको काट करके इसको निकाल देना है और ये वाला भी हमको काट करके निकाल देना है, ये भी कट जाएगा सेम जैसा हमने आपको इधर बताया, ठीक है। तो ये मार्किंग मुकम्मल हो चुका है और इधर भी आपको भी कटिंग करना है। ये जो देख रहे हैं ये लाइन आप सीधा यहाँ पे एक निशान लगा दें, ये लाइन से, ये सेंटर वाले लाइन से, और फिर ये भी सेंटर वाले लाइन से आप यहाँ पे एक सीधा निशान लगा दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक वी का निशान लगाना है इस तरीके से,
और इधर भी आपको एक वी का निशान लगाना है, ठीक है, और इसको कटिंग कर देना है आपको, ठीक है, इसको भी कटिंग कर देना है और इसको भी आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये मार्किंग हमारा मुकम्मल हो गया है। तो इस तरीके से हम 90 डिग्री बैंड का मार्किंग करते हैं 6-6 सेंटी गैप दे करके। और ये हमने आपको भी का मार्किंग भी बता दिया, भी का मार्किंग आपको किस तरीके से करना है, और ये हमने कपलर का ही मार्किंग बता दिया, ठीक है। तो अब हम चलिए इसको हम कटिंग करके आपको दिखा देते हैं, फिर इसको हम बैंड करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने कटिंग कर दिया है, ये देख सकते हैं, एक भी हमारा इधर और दूसरा भी हमारा इधर, ये दोनों हमने काट दिया है। और ये देखिए हमारा कपलर भी बन चुका है, ये देख सकते हैं। इसको जब हम बैंड करेंगे ये वाला, तो ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हमने फिर रूपिंग बोल्ट डाल करके हमने अच्छे से टाइट कर देना है। ये देखिए हमारा ये दूसरा कपलर है। और इस तरह भी देखिए, ये देखिए हमने इधर भी मार्किंग किया था और यहाँ भी मार्किंग किया था भी का, तो इसको भी हमने आपको काट के निकाल दिया है। तो इसको भी आपको काट करके निकाल देना है, तभी ये बैंड होगा। ये देख सकते हैं, अगर इसको आप कटिंग नहीं करेंगे तो ये बैंड नहीं होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम बैंड कर लेते हैं, बैंड करके फिर हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए हमारा 90 डिग्री बैंड बन गया है, ये देख सकते हैं। ये हमने रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। ये देखिए, ये हमारा कपलर है, इसको हमने अंदर मोड़ करके इसमें हमने रूपिंग बोल्ट डाल दिया। और ये हमारा दूसरा कपलर है, तो देख सकते हैं किस तरीके से इसको हमने मोड़ दिया है। ये आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से इसको हमने मोड़ लिया है। तो इसी तरीके से इसको आपको बैंड करना है फ्रेंड। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।